आपको बताया ही था कि हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, 7 डे हमें छोड़ दिया गया था, तो बट बाहर निकले तो पता चला कि बहुत ज़्यादा यू नो हंगामा हो रहा है दिल्ली में, कुछ फार्मर्स रैली वगैरह निकल रही थी तो काफ़ी राइड्स वगैरह भी हो रहे थे, टैक्सी मिलने में भी बहुत मुश्किल हुई, बट फाइनली हमें टैक्सी मिल गई और फिर हम यहाँ घर पर पहुँच गए थे। तो बस कल तो मैं आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाई थी कि क्या हुआ और पहुँचे कि नहीं क्या रहा, तो बस घर पे पहुँच गए थे। आज अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी, तो आज ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बना रही हूँ। फटाफट से चाय भी बना लेती। रेडी है पोहा। पहले मैं अपने ससुराल में थी और अब मैं अपने मायके आई हूँ और ये मेरी मम्मी बाहर खड़ी हैं मेरे इंतज़ार में और बहुत खुश हो रही हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं आ पाई यूके से इंडिया। यहाँ पहुँच के देखा तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस कर रखी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ये डेकोरेशंस देख के। कल से ये लोग कहे जा रहे थे कि जल्दी आओ दीदी जल्दी आओ, हमने बहुत प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके आने के, हम वेट कर रहे हैं, और फिर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को पता नहीं क्या कर रहे हैं, और फिर आके देखा इन्होंने बेचारों बहन बच्चों ने कितनी मेहनत करी है, सारा डेकोरेशन वगैरह करा है मेरे वेलकम के लिए। नाश्ते में मम्मी ने आलू की कचौड़ी बना रखी है, तो बस उसी के भी मज़े ले रहे हैं और चाय के साथ में। ये देखो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मेरे आने के, उस वेलकम के लिए गाजर का हलवा बन रहा है। करो करो मेहनत करो। गाजर का हलवा भी रेडी हो गया, माय फेवरेट।